जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभव और स्वागत है आपका एक बार फिर से एच जी ऑटो ब्लॉग से एक और नई वीडियो में आफ्टर 150 डेज। तो हमने लोग रहा तो देख के समझ गए यार कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली बिग डैडी ऑफ SUVs यानी कि स्कॉर्पियो N के बारे में। अब ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए उसका रीज़न मैं आपको पहले बताता हूँ यार, तभी ना आपको मतलब निकलेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो N के तो अब इतने वीडियो हो गए हैं जितने। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यार मुझे पर्सनली क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें बेकार लगी। अब आप बोलोगे किस बेसिस पे बोल रहे हो, तो मैंने गाड़ी चलाई है, गाड़ी देखी है, बैठी है, सभी चीज़ करके इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए इतना लेट हुआ। वो फीचर लिस्ट वाली वीडियो ना मैं पहले भी बना सकता था, बट वो नहीं बनानी थी, मुझे एक्सपीरियंस करना था, उसके बाद आप लोग को बताना था, इसलिए ये वीडियो रहने वाला है। और यार ये वीडियो ना मैं थोड़ा शोरूम ऐसे नॉर्मली टाइप से बनाया हूँ, तो उतना ज़्यादा व्लॉग फॉर्मेट में नहीं रहने वाला, तो मैं ऐसे इसी प्रकार का रहूँगा, कोने में रहूँगा, वॉइस ओवर रहने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं यार इनका लॉन्च इवेंट। बाय द वे मैं गया था शिवनाथ ऑटोमोबाइल्स दुर्ग सुपेला छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ इनका थोड़ा सा पहले लेक्चर चलता है, क्योंकि उसके बारे में बता रहे थे और बोल रहे थे कि स्कॉर्पियो क्लासिक चलेगा। अभी S3, S5, S7, S9 और S11 ये 5 मॉडल्स कंटिन्यू रहेंगे ऐसा इनका कहना है, बाकी लेट्स से अगर आगे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ आए थे हमारे छत्तीसगढ़ के कोई फेमस सिंगर थे, मेरे को भी उनका नाम नहीं पता, बट उन्होंने इस लॉन्च इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को पर्सनली ये लॉन्च इवेंट लगा। वीडियो यार थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, बट पूरा डिटेल्स आपको देने वाला हूँ, कंपैरिजन लिस्ट पूरा एक तरह से रहने वाला है। और इनका वो जो टैगलाइन चल रहा है ना, मुबारक हो बाप हुआ है, तो वो बहुत अच्छे लेवल से चल रही थी। और यार अब बात कर लेते हैं पॉइंट की, यानी कि गाड़ी के बारे में। तो गाड़ी बनाई गई है यार बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस, पूरे लगभग लगभग मैं बोल रहा हूँ फॉर्चूनर ही है ये, पीछे से अगर थोड़ा काट देना तो ऑलमोस्ट फॉर्चूनर वाली साइज डायमेंशन जो है ना वो मैच करती दिखती है। एंड सबसे पहले इसके हेडलैम्प्स के बारे में बात कर ले, तो आपको ड्यूअल चैम्बर है, आपको हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, ऊपर में आपको प्रोजेक्टर मिलने वाला है विथ LED DRL और वो जो फ्लोटिंग वाला इंडिकेटर रहता है वो मिलने वाला है। ये जो आप देख रहे हो ना पर्टिकुलर, ये Z8L डीजल मैनुअल रहने वाला है, सी शेप टाइप के इसमें आपको DRLs मिलने वाले हैं और नीचे में भी प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं, वो LED रहने वाला है। बाकी इसके फ्रंट हुड के अंदर में बात कर ले, तो ये आपका हमारा चहेता जो 2009-10 से आ रहा है 2.2 लीटर का MHOG डीजल इंजन, ये वही डीजल इंजन है। पावर के बारे में बात कर ले, तो डीजल मैनुअल में आपको 175 हॉर्स पावर एंड 317 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलने वाला है, वही चीज़ अगर ऑटोमेटिक हो गई तो ये आपको 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क रहेगा। अब बात कर लेते हैं डीजल मैनुअल में, ये है ये जो आपको मिलेगा ना, ये Z4 का फोर व्हील ड्राइव, Z6, Z8 और उसके ऊपर जो उतने भी वेरिएंट है Z8L, ये सब में आपको ये मिलेगा। बट जो Z2 और Z4 का जो टू व्हील ड्राइव है ना, उसमें आपको 132 हॉर्स पावर और 300 Nm का टॉर्क मिलेगा मैनुअल में। और बात कर लेते हैं अब पेट्रोल की, तो पेट्रोल में तो भाई माशा अल्लाह 2.0 लीटर का एम स्टेलियन इंजन है, क्या ही हॉर्स पावर, 203 हॉर्स पावर, 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क, मतलब उसको भी जो फीलिंग है ना आपको डीजल इंजन वाले ही चलाने वाला फीलिंग आएगा। और तो मैं भी उसी को चलाया हूँ, तो उसके बारे में आगे बात करता हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बाकी इंजन हुड रहने वाला है, और जो इंजन हुड का जो वेट है बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है एक्चुअल में। और यार यहाँ पे मेरे को ना एक चीज़ की कमी लगी, जो कि हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, पता नहीं महिंद्रा वो जो बोनट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, उसको बेयर अप नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं लगा रहे हैं, कि कोई और रीज़न है वो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट हाइड्रोलिक स्ट्रट्स रहना जरूरी है भाई, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 10 से 15 किलो से ज़्यादा का ही होगा, मतलब जो उठाने में अपने को जो लगता है ना, बस उसी की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअल तो और उसका ज़्यादा वेट होगा। बात कर लेते हैं यार साइड मिरर के बारे में, तो साइड मिरर में भी आपको इंडिकेटर मिल जाता है फ्रॉम Z4 से ये चीज़ आपको मिल जाएगा। इंडिकेटर्स ना जो अभी क्लासिक में जो आप बोलूँगा मैं सीधा, क्लासिक में बहुत ज़्यादा बड़े आते थे, तो उसको जो चौड़ाई है उसको थोड़ा कम करके हाइट को बढ़ाया गया है। बाकी हैंडल्स के बारे में बात कर ले, तो हैंडल में आपको अलग से क्रोम ट्रीटमेंट वगैरह मिल जाती है, तो आपको ना ये थोड़ी थोड़ी अल्टुरा G4 का भी याद दिलाने वाला है, कुछ कुछ एलिमेंट्स वहाँ से मैच करते दिखेंगे। और ये जो है ना हैंडल में क्रोम एलिमेंट्स वगैरह, ये महिंद्रा नहीं सोची थी भाई इतना ज़्यादा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर बुरा मैं रॉन्ग वे में नहीं बोल रहा हूँ, इसको एक राइट वे में आप लेना, मतलब कहने का मतलब काम बहुत ज़्यादा कर रही है। रिम्स इसके मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे, एलॉय के जो डिज़ाइन है वो अच्छे हैं तो। और हाँ हुड लाइनर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, मतलब ऑलमोस्ट इतना मोटा सा वो रहने वाला है, तो वह एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप उसको नोट कर सकते हो ऐसा वाला है। बाकी आपको अभी स्टार्टिंग है, तो ये 7 स्लैट वाला जो ग्रिल है वो आपको मिलता है महिंद्रा का नया लोगो, नीचे में आपको छोटा सा कैमरा देखने को मिल जाता है, कैमरा क्वालिटी में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। वाइपर्स के बारे में बात कर लेते हैं यार, यहाँ पे आपको एरो ट्विन वाइपर्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी
ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब ये सब चीज़ में महिंद्रा अपग्रेड कर रही है वो ज़्यादा मैटर करते हैं, जनरली उतना ध्यान नहीं देती थी, बट इस बार काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान दिया गया है। और स्पेसिंग के बारे में बात कर लेना यार, तो जो टायर और जो फेंडर लाइन है उसके बीच में काफ़ी अच्छा स्पेस है, क्योंकि भाई गाड़ी ऑफ रोड ओरिएंटेड भी बनाई गई है। जैसे 700 में अपने को ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता, बट इसमें आपको स्पेस में काफ़ी अच्छा खासा फर्क देखने को मिलने वाला है। आप साइड पॉकेट देख सकते हैं, वहाँ पे 1 लीटर का बोतल आराम से आ जाएगा, ऊपर से छोटे वाले जो अम्ब्रेला वगैरह रहती है वो भी आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी सीट्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स है, ये शायद Z8 एलबस में है या फिर Z8 में है, Z8 में आई थिंक सो नहीं है, बट एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छी बताता हूँ, Z4 जो Z2 से जस्ट एक ऊपर वेरियंट है उसमें आपको लंबर सपोर्ट, हाइट एडजस्टेबल और जो बाकी जो दो आगे पीछे वाले हैं वो भी मिलते हैं, बस वो मैनुअली रहेगा लेकिन वो सीधा Z4 से आपको मिल जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, उसको वैल्यू फॉर मनी काफ़ी ज़्यादा बनाता है। बाकी बाहर से आप देख ही सकते हो किस प्रकार का है, ये सीट्स की कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी लगी फोल्ड करने के बाद, इस प्रकार का कुछ दिखता है। ये फोल्डिंग का कुछ सीन ना मेरे को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया यार, या तो पूरा फ्लैट फोल्ड हो जाते, उतना ज़्यादा इस बार बूट स्पेस मेरे को पर्सनली नहीं मिला। और ये एक अंकल बैठे थे उनको मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है, क्योंकि बहुत लोग ना स्कॉर्पियो क्लासिक से आ रहे हैं जो कि S3 S5 वाला वेरियंट था ना उनमें से आ रहे हैं, तो उनमें ना हाइट एडजस्टेबल मिलता था ना ही कुछ मिलता था। ओके अंकल का सुन सकते हो, कम्फर्ट बहुत है, और जैसे वो शॉर्ट हाइट बोले ना, मैंने उनके ऐसे हाइट को एडजस्ट कर दिया ना, तो उसमें भी वो खुश हो गए। कहने का मतलब लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं इस गाड़ी से, लोगों का रिएक्शन ही अलग था भाई वहाँ पे, मतलब लेडीज़ भी उतनी थी, जेंट्स भी उतने थे, जो थोड़े एजेड थे वो भी थे, और जो हमारे टाइप के टीनेज थे वो भी थे, हर बंदा इस गाड़ी को देखने आ ही रहा था और वो फील कर रहा था भाई, आप चेहरे से देख सकते थे। कि बात आती है यार हमारे बैठने की, तो क्लाइम करके ऑफकोर्स बैठना है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाते हैं। साइड के बारे में बात कर ले यार, तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का आपको ऑप्शन मिल जाता है, नीचे में आपको पार्किंग सेंसर्स के बटन मिल जाते हैं, बट 6 से 7 स्पेसेस आपको दिए गए हैं ताकि आप सायरन लगा सके, एक्स्ट्रा पुलिस वाली लाइट लगा सके। यहाँ पे आपको लाइट एडजस्टमेंट का मिल जाता है स्विच, बाय द वे इसमें जो इल्यूमिनेशन लाइट है उसको कम करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि आपको पुराने SUV मिलता है, सॉरी स्कॉर्पियो में नहीं मिलता, बट इसमें दे देना था यार, वो चीज़ एक नेसेसरी बोल सकते हो रात के टाइम में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। स्टेयरिंग के बारे में बात करें तो XUV700 से डिराइव्ड है, जो स्टेयरिंग का लेदर यूज़ किया गया है ना वो मैं बोलूँगा एक पॉइंट नीचे मैं बोलूँगा 10 में से 8.5-9 दूंगा उसको, 10 में 10 तो नहीं दे सकता मैं, थोड़ा सा वो चीज़ और इम्प्रूव हो सकता था। बाकी स्टेयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात करें तो टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलने वाला, सिर्फ टिल्ट मिलने वाला है, टिल्ट का भी जो स्पेस है ना वो थोड़ा सा और ऊपर नीचे का ऑप्शन देना था, उतना ज़्यादा फ्री नहीं है ये चीज़। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका फिलहाल गाड़ी तो चालू नहीं थी तो ज़्यादा दिखाते नहीं बनाए हैं यहाँ पे। बाकी क्लच वगैरह पोजीशन मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, डेड पेडल थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था बट मैनेजेबल है एटलीस्ट, नहीं से कुछ तो सही। और बटन्स वगैरह की क्वालिटी मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, हॉर्न आप सुन ही सकते हैं, हॉर्न इसमें ना यार मेरे को पर्सनली वो जो ब्लो हॉर्न रहते हैं ना नॉर्मल प्लेन हॉर्न, वो मेरे को पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं इसे एज अ सिटी कार ज़्यादा नया देख करके ज़्यादा पॉलिटिशियंस की कार देखता हूँ। बाकी आपको वाइपर्स के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पीछे भी आपको वाइपर मिल जाता है, स्पीड बहुत सारे उसमें मिल जाते हैं, सभी चीज़ उसके ऑप्शंस लेफ्ट साइड में एज यूजुअल दिए गए हैं। सिमिलरली राइट साइड में भी आपको लाइट्स के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑटोमेटिक वाइपर्स भी हैं लेकिन वो सिर्फ Z8L में मिलने वाले हैं। बाकी लाइट्स का जो थ्रो वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नाइट में मैं नहीं देखा है, मतलब उसका वीडियो शूट नहीं है मेरे पास, बट देखा हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को पर्सनली। सेंटर कंसोल के बारे में बात कर ले तो थोड़ा थोड़ा आपको थार और XUV700 से डिराइव्ड लगेगा, और वेंट्स के अगेन साइज काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइव मोड्स हैं जो कि जिप जैप जूम है, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हाजार्ड लाइट और एयरबैग का स्विच, कैमरा के स्विच, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाते वाले हैं। ये आपको पूरा ना यहाँ पर का जो लाइन है ना वो पूरा थार से, मतलब जो बटन्स हैं वो सेम एग्जैक्टली मिलने वाले हैं। नीचे में USB का आपको 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं, एक एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए और एक दूसरा फास्ट चार्जिंग के लिए। ये Z8L था तो इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, बाकी पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन वहीं पर दिया गया है। गियरबॉक्स इसका सही हाइट पर है, मतलब जो इसका थोड़ा हाइट ज़्यादा है ना 5-8-5-9 उसके लिए बहुत सही पोजिशन बनाई गई है, बहुत अच्छा लगा। हैंड ब्रेक आपको इसमें मैनुअली मिलता है, बाकी हैरियर टाइप का जो घुटना है ना वो यहाँ पे नहीं ठकराता, स्पेस आपको खुला मिलता है, ठीक है। और इंटीरियर में कोई भी एंगल्स आप पुरानी स्कॉर्पियो से नहीं बोल सकते, बस एक चीज़ बोल सकते हो, डैशबोर्ड अभी भी थोड़ा छोटा है ताकि वो जो आपको बोनट का लगता है ना, हाँ सामने में ही है बोनट तो वैसा ही है, हालांकि जो बोनट की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो उसमें आपको अब थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इस प्रकार का था इसका ड्राइवर्स लुक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यार अब थोड़ा पीछे की, मतलब सॉरी साइड व्यू की, साइड से भी देखना जरूरी है ना। यहाँ पे आपको 245/65 R17 के टायर्स मिल जाते हैं, ये अपना Z8L डीजल मैनुअल था,
इसमें अभी फिलहाल यही है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, 4 स्टार प्लस ही ये रेट करेगी, ये फॉर श्योर है। यहाँ पे आपको जो पैडिंग है ना, जहाँ पे आपका हाथ रखाएगा वहाँ पे आपको लेदराइट मिलेगी, बाकी जगह आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है। कॉफ़ी जो कलर इन लोग इस बार यूज़ किए ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा और बहुत प्रीमियम टोन है। बाकी जो आपके स्विचेस वगैरह हैं वो सभी चेंज हो चुके हैं राइट फ्रॉम द XUV700O। अगेन यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, और जो हैंडल वगैरह क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे कोई भी चरचराहट टाइप की आवाज़ नहीं रहती, कई नई गाड़ियों में भी रहती है ना जैसे कि, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। सीट्स में कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को पर्सनली, थार से डिराइव्ड है, बट भाई सीट्स अच्छी होनी चाहिए वो ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स का साइज़ छोटा था, बट अगेन यहाँ पे आपको कूलिंग और लाइट दोनों यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। स्पेसिंग थोड़ी सी मेरे को इस बार कम लगी, मतलब जो वो पुरानी स्कॉर्पियो में भी था, बट इस वाली में भी वही चीज़ है। थोड़ा सा जो सामान रखने का स्पेस है ना वो कम लगा मेरे को, थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता था। यहाँ पे सनरूफ काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, बट अगेन थोड़ी साइज़ कम है, मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। सोनी का यहाँ पे 11 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम मिलता है, वो चीज़ है। यहाँ पे आपको लाइट्स सारी LED दी गई है, और लेगरूम वगैरह आप पूरा पास भी कर लोगे ना तो भी 5-8, 5-9 तक के बंदे को पीछे करने की भी ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा स्पेस दिया गया है। सामने की मैं बात कर रहा हूँ, 5-9 तक भी बंदा है ना तो सामने भी अगर पूरा कर लेगा तो भी उसको इनफ स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पे आर्मरेस्ट इसका स्लाइड नहीं होता और स्पेस भी थोड़ी सी कम है, बट आर्मरेस्ट की जो चौड़ाई है और जो कम्फर्टेबलनेस है वो काफ़ी अच्छा है, तो आर्मरेस्ट में एटलीस्ट स्पेस बढ़ाया जा सकता था फॉर। बाकी यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर में भी लाइट मिल जाती है, महिंद्रा के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सब चीज़ पर महिंद्रा जनरली ध्यान नहीं देता था, बट लग्जरी में भी उतना ही ध्यान दिया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, मतलब वो जो धूप आती है ना साइड से वो आएगी, क्योंकि आपको एक्सटेंडेबल आपका सनशेड है वो एक्सटेंडेबल नहीं है। बाकी आपको मिरर्स भी, इनर जो मिरर है इलेक्ट्रिकली IRVM नहीं मिला गया, वो आपको मैनुअली है अभी भी, तो वो भी एक डाउन साइड में आता है। बाकी ये माइक वगैरह दिया गया है, यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड है जिसको मैनुअली आप खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो अगर सिर्फ आपको प्रकाश चाहिए तो। ये थोड़ा सा गाड़ी को मोड़ रहे थे ना तो मैं एट दैट टाइम शूट कर लिया, बस बैठा हुआ था तो शूट कर लिया। इस प्रकार का है इसका कुछ MID, और ये देख सकते हो स्टार्टिंग में ही ये गुड बाय बोलता है, पता नहीं क्यों, ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आई। और इस प्रकार का ये डुअल जोन है, तो आप देख सकते हो 18 डिग्री 19 डिग्री दिखा रहा था। कैमरा की क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, तो नाइट का टाइम था यार, बट फिर भी ना काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स थे और थोड़े ब्लरी वाला सीन था। अच्छा हो सकता था अगर इसको 25-26 लाख के, अगर ऑन रोड में जा रहा है गाड़ी तो ये 26-27 लाख के हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता था, इससे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स क्वालिटी हो सकती थी। बाकी आपको एक चीज़ और डाउन साइड बता दूँ, सिर्फ Z8 और Z8L में आपको कैमरा मिलता है, इवन Z6 में भी आपको कैमरा देखने को नहीं मिलता। फ्रंट कैमरा है और रियर कैमरा है, साइड के जो मिरर्स में है उसमें कैमरा नहीं है। बाकी फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, सेंसर से इसके काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लगे, वो एक मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी बात लगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, बीच में 7 इंच का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है, और जो रेट्रोनेस है ना वो चीज़ मेंटेन की गई है, एकदम पूरा ही डिजिटल नहीं बना दिया गया है, पूरा ही एनालॉग भी नहीं है। तो मेरे को पर्सनली ये जो हाइब्रिड वाला सिस्टम है ना यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सनरूफ यहाँ पे हमने खोल दिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार पीछे की, तो पीछे में आपको दो छोटे AC वेंट्स मिल जाएंगे, बहुत छोटे भी नहीं है बट बहुत बड़े भी नहीं हैं, और यहाँ पे आपको 4 स्पीड में ब्लोअर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके टेम्परेचर आप कहीं से भी एडजस्ट नहीं कर सकते, बट उसकी स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जो फ्रंट में AC है ना उसी को खींच के इधर पास आउट करेगी। ये राइट साइड के रियर डोर के बारे में ये आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको अगेन लेदराइट फिनिश मिलती है, 1 लीटर का बॉटल आराम से आ जाएगा, बट दरवाज़ा बंद रहेगा तो आप अभी भी नहीं निकाल सकते जैसे कि पुराने स्कॉर्पियो में होता था, ठीक है। तो ये चीज़ अभी भी वैसा ही रहेगा। बाकी आप इसको रिक्लाइन ठीक ठाक से अच्छा ही बोलूँगा मैं, अच्छा खासा कर सकते हो। बाकी लेग रूम में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने वाली, और वो एक कारण है कि आपको सीट स्लाइडिंग नहीं होते, तो उसका जो भुगतान है ना वो पीछे वाला भुगतता है। बाकी आमरेश में आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, एंड ये थोड़ा सा चौड़ा ऑफ कोर्स हो सकता था बट नहीं है, तो चल जाएगा, वो चीज़ मैनेजेबल। और पीछे में आपको टाइप सी का भी एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो ये भी अच्छी बात है। अगेन यहाँ पे LED आपको लाइट्स मिल जाती हैं, एंड देख सकते हो बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हम्प भी नहीं है, तो वो भी एक अच्छी बात है क्योंकि 3 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पे मैगजीन होल्डर है, उसमें मोबाइल होल्डर अलग से दिया गया है, इस बार छोटा मोबाइल होल्डर नहीं है, इस बार अच्छा बड़ा वाला मोबाइल होल्डर है। अगर यहाँ पे आप रिक्लाइनिंग के ऑप्शन देख सकते हो, वही चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा मिसमैच हो सकता है यार क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट वॉइस ओवर करने में नहीं आता, बट देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं यार पीछे की सीटिंग एक्सपीरियंस की, तो लेट्स गो। तो ये पीछे का एक स्पीकर सिस्टम के बारे में बात कर रहा था मैं, और यहाँ पे भी आपको LED लाइट्स, रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिक मेरे को उतना ज़्यादा पर्सनली फील नहीं हुआ, थोड़ा गाड़ी में मैं थर्ड रो में ही बैठ के चला भी हूँ,
बट बात कर लेते हैं यार लेग्रोमा कंफर्ट की, तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पाँच छः से ज़्यादा आप बैठ ही नहीं सकते। बैठ तो जाओगे, मुश्किल से 100 किलोमीटर जा पाओगे, उसमें भी अगर ड्राइवर इधर उधर करके चला रहा है या ख़राब रास्ता है, बिल्कुल आपके लिए पाप होने वाला है। थोड़ा ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर बैठ सकते हो, बट मेरे को पर्सनली कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगा यार। मैं मुश्किल से 5-6 किलोमीटर बैठा हूँ बट नहीं मज़ा आया मेरे को। मेरी हाइट 5-6 के अप्रॉक्सीमेटली है, बैठ सकते हैं मजबूरी में, बट मैं नहीं बोलूँगा कि किसी को बैठाओ। बच्चों के लिए ठीक है बट ऐसे नहीं मज़ा आया यार। और अब लगता है कि कहीं ना कहीं वो साइड फेसिंग सीट ही अच्छी थी, एटलीस्ट उसमें आप पैर फैला के तो बैठते थे। उसमें ये रहता था कि पीछे ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिलता। थर्ड रो कहीं ना कहीं मैटर करी जाती है। थर्ड रो अभी तक मेरे को इनोवा से ज़्यादा अच्छा और किसी में नहीं मिला। फॉर्चुनर में मैं बैठा नहीं हूँ यार, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट इनोवा क्रिस्टा का जो थर्ड रो है वो बहुत स्पेशियस लगा मेरे को पर्सनली। ये वन टच टम्बल डाउन है, तो मेरे को पर्सनली एक रीज़न लगता है ये जो वन टच टम्बल डाउन के कारण है ना, उनको स्लाइडिंग वाला जो फीचर है वो देने में दिक्कत हुई है, ये चीज़ मेरे को पर्सनली लगता है। बाकी एग्जैक्ट क्या है वो तो महिंद्रा ही जाने भाई, क्या ही बोल सकते हैं उसमें। वो वन ऑफ द मेजर कौन लगा, क्योंकि आप इसको एज अ कमर्शियल यूज़ करोगे ना यार, तो कमर्शियल में कोई बैठना नहीं चाहता थर्ड रो में ऑलरेडी। वो पुराने क्लासिक में ऐसा होता था, एटलीस्ट पैर फैला के दो लोग तो आराम से बैठ ही जाते थे। यहाँ पे बैठेंगे दो लोग अभी भी, लेकिन पैर फैलाने का ऑप्शन नहीं मिलता ना, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, दिक्कत लगता है। और उसमें बाय द वे मिरर थोड़े तो खुलते थे, इसमें मिरर वो भी नहीं खुलते। चलो वो भी एक बार मैनेज हो जाएगा। एक तो थर्ड रो एसी वेंट्स भी नहीं है, तो वो भी एक कारण है यार लोगों का ना बैठने का। ऑल दो वो पिछले वाले में भी नहीं थी, बट इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो उस चीज़ों को तो ध्यान दोगे ना यार आप। थर्ड रो इसका बिल्कुल भी नहीं मजा आया ऑनेस्टली स्पीकिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, तो बस इतना सा, ये जो जितना वीडियो में दिख रहा है ना, ये 1 फीट का ही मुश्किल से स्पेस होगा, वो भी सीधा नहीं है, वो स्लैंटेड है। लाइट्स कुछ लोग बोल रहे हैं वैगन आर से है, तो भाई आप लोग के लिए नो वर्ड्स, वो वैसे ही आप लोग कुछ नहीं बोल सकता मैं। बूट इसका ना, बूट जो खोलने के लिए वहाँ पे आपको इसको हाइड्रोलिक दे दिया गया है, तो अब वो झूलते रहती थी ना वो वाला सिचुएशन नहीं होने वाला। और जो बूट हमारे नॉर्मली ऐसे रहते थे ना, तो इसका थोड़ा कर्व शेप में है, ताकि आपको बैग है ना वो आ ही जाए, जितना छोटा बैग है भले ही लेकिन आ जाए। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स सा मिल जाता है, एक खींचोगे तो ये पूरा वो हो जाएगा। फ्लैट फोल्ड नहीं होता यार, जो कि XUV700 में होता था, 500 में होता था, वो चीज़ नहीं है, फ्लैट फोल्ड नहीं है। और उसको पूरा फोल्ड भी कर दोगे ना, तो उतना ज़्यादा बूट स्पेस नहीं बचता जितने पुरानी स्कॉर्पियो में, तो पूरा रूम ही बन जाता था, ऑलमोस्ट एक रूम से ही था। अब मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो 10 बोरा उसमें लेके जा सकते थे, इसमें नहीं ले जा सकते आप, नहीं ले जा सकते, उतना स्पेस ही नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मेरे को है लगा, बट ऐसा स्पेस वगैरह नहीं था वहाँ पे। इस प्रकार इस साइड में सब वूफर था, और बस इतना ही था यार ये वीडियो में। पेट्रोल मैनुअल चलाया, पावर में उसकी कोई भी कमी नहीं है। थोड़ा सा गियर बॉक्स मेरे को नौची सा लगा, वो उतना मैटर नहीं करता, मैं उतना मैनेज कर सकता हूँ। बाकी डीजल अभी तक चलाया नहीं हूँ, तो उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। ऑल दो 2.2 लीटर एमॉक चलाया हूँ, बट इसमें नहीं चलाया हूँ। और जो राइड क्वालिटी हम लोग जो झूले का आते थे ना, बिल्कुल भी नहीं है यार, बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड, वेल कंटेन्ड कर दी गई है, बॉडी झूलने के मामले में भी, बॉडी रोल के मामले में भी। और आप बैठते हो ना, तो मतलब फर्स्ट फ्लोर में बैठ रहा हूँ ऐसा लगता है। बगल से फॉर्चुनर पार होगी ना, आपको ऐसे मतलब मुंडे उठा के नहीं देखना है, वो आपके बराबर में ही पार होगी। इनोवा तो एक बार को नीचे लग जाएगी, बट ऊपर तो नहीं लगने वाली। ओवरऑल गाड़ी आंख बंद करके ले सकते हो। अगर सनरूफ चाहिए ना, मैं बता रहा हूँ, Z6 लो। और अगर सनरूफ नहीं चाहिए, उसके अलावा हर फीचर चाहिए, एंड्रॉयड ऑटो हो, चाहे क्रूज कंट्रोल हो, चाहे लंबर सपोर्ट हो, हाइट एडजस्टेबल सीट हो, हर चीज़ आपको Z4 में मिल जाता है। आई डोंट थिंक इसके ऊपर जाने का मेरे को पर्सनली उतना मतलब फील नहीं आया। वो आप अलग बंदे हो कि मेरे को एकदम टॉप मॉडल ही चाहिए, वो आप फिर Z8 लो, Z8L लो, आपकी जो मर्जी। बट अगर आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए ना, तो सनरूफ चाहिए और 175 हॉर्स पावर चाहिए आपको, तो आप आँख बंद करके Z6 लो। और 132 हॉर्स पावर में अगर आपका काम चल जाता है, क्रूज कंट्रोल, एंड्रॉयड ऑटो, वायर्ड वाला रहेगा, इस पर आपका काम चल जाता है, तो Z4 लो। मेरे को Z2 थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक लग गया, और Z8 में फिर सीधा 2 लाख का प्राइस डिफरेंस है। ये दोनों में 1 लाख का प्राइस डिफरेंस है, Z4 और Z6। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 लाख सनरूफ के लिए दे सकते हो, आफ्टरऑल वो 1-1.5 लाख उसका कॉस्टिंग पड़ जाता है। प्लस यहाँ पे आपको पावर का भी अपग्रेड मिलने वाला है, डीजल के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। पेट्रोल में आपको 200 ही हॉर्स पावर मिलेगा, डीजल में आपको Z4 में 132 और Z6 में 175 हॉर्स पावर मिलने वाला है। और हाँ, एक चीज़ और भी है कि Z4 डीजल में आपको हाइड्रोलिक स्टेयरिंग्स मिलने वाले हैं, और Z6 डीजल में आपको इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग मिलने वाले हैं। तो ये भी एक आपका मेजर कंसर्न हो सकता है मेरे हिसाब से। ये 3 पॉइंट को बस देखना, पावर फिगर्स, स्टेयरिंग, और ये अपना क्या बोलते हैं इसके, सनरूफ। ये चीज, 3 चीज़ को देखोगे। अगर आपके पास पैसा है, तो मैं बोलूँगा कि Z6 में ले लो, हर चीज़ मिलेगी, उसके बाद आपको आगे पीछे कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और थोड़ा सा एकदम ही बजट कंस्ट्रेंट हो, तो Z4 लो। Z2 बाकी आपके ऊपर है, आप पूरा ही बेसिक से उसको बनाना चाह रहे हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इतना ही था यार आज की इस वीडियो में। एक कंपैरिजन लिस्ट में लाने की सोच रहा हूँ, पूरे जो 4-5 वेरियंट्स हैं उसके बारे में,
तो अगर अच्छा इस रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो में तो उसको भी ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखो, बहुत ही अच्छा प्यार मोहब्बत बनाया यार। वीडियो नहीं डलती फिर भी व्यूज़ उतने ही आते हैं, वीडियो डलती है फिर भी व्यूज़ उतने ही आते हैं। एनीवेज धन्यवाद अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखे हो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, 20-22 मिनट का हो गया, इतना कोई बकबक नहीं सुनता, इसीलिए मैं इस प्रकार की वीडियो बनाना उतना पसंद भी नहीं करता। बट गाड़ी ही ऐसी है, मैंने चलाया, फील किया, सब चीज़ किया ना, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अदरवाइज इसको भी नहीं बनाता। ऐसा था, दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी दबाओ, कमेंट में बताओ क्या चीज़ की कमी है। एंड मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।